बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अब्दुलरहमान शाह बाबा दरगाह के बुलंद दरवाजे के पास हम खड़े हैं। यहाँ पे ये उरूस 108 जिसको कहा जाता है, 108 है आज का उरूस ये। और यहाँ पे हमारे साथ फैजुल्ला खान साहब मौजूद हैं जिन्होंने मेडिकल कैंप कई जगह पे कई बार लगाए हैं और लोगों की खिदमत करी है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे जो अब्दुलरहमान दरगाह के सामने जो इन्होंने लोगों के खिदमत खल का जो ये लगाया कैंप, इसके बारे में हम इनसे दो लफ्ज़ कहना चाहेंगे कि क्या कहेंगे ये। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है फैजुल्ला भाई। काफ़ी देखा गया आपको, अभी इस वक्त आप माशाल्लाह लोगों की खिदमतें खल कर रहे हैं, यहाँ पे आपने मेडिकल कैंप लगाया, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेडिकल कैंप जो है इसी तरीके से ऐसी जगह पे लगना चाहिए जहाँ पर सब तबके के लोग आए हैं, गरीब भी आए अमीर भी आए, हाँ जिनके जिनके पास दवाई लेने की ताकत नहीं है, जैसे म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल में जाके दवाई लेते हैं, उनसे उनका मतलब इलाज बराबर नहीं होता है। तो हम लोग ने ये चीज़ सोचा कि भाई इनके लिए सारे के सारे इलाज यहाँ पर हो, जैसे स्किन के डॉक्टर है, डायबिटीज़ के है, बुखार सर्दी हड्डियों के डॉक्टर, सारे डॉक्टर को प्रोवाइड हम लोग किए और दवाइयाँ भी हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर। हमारा यही बोलना है कि भाई जितने लोगों को आपके चैनल के माध्यम से फ़ायदा उठाना है, दो दिन और बचाए, आइए और दवाइयाँ लेके जाइए। कौन कौन डॉक्टर आपके यहाँ पे आके उन्होंने जो है खिदमत की है? यहाँ पर डॉक्टर इकबाल लोधिया है, अशफाक मुल्ला है, अशरफ सेलिया है, और डॉक्टर जावेद है, और डॉक्टर मज़र है, और लेडी डॉक्टर है डॉक्टर मिश्रा, तीन महीने से हमारे साथ में काम कर रही है, जो खुद ही दवाई ला रही है और खुद ही चेकअप करती है, और टोटल काम उनका हमने एक रुपये भी उसमें खर्च नहीं किए, टोटल दवाइयाँ वही देती है आ रही है। जब से कैंप स्टार्ट हुआ कम से कम रोज़ के 100 पेशेंट देखती है और 100 को 100 दवाई देती है, वो अपने हिसाब से काम करती है। और इसके आगे क्या आपका इरादा है और कुछ काम करने का है? इंशाल्लाह अभी अगले हफ्ते में एक बड़ा काम करेंगे हम लोग जी। आपको चैनल आपको बुलाएंगे हम लोग। हमारे साथ रहीम भाई हैं जो आपने हमेशा इनको भी देखा होगा सोशल वर्क में और इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, क्या कहेंगे रहीम भाई आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि 108वां उरूस है हाजी अब्दुलरहमान शाह बाबा का, जो यूसुफ फैजुल्ला यूसुफ खान को खिदमत का मौका मिला है मेडिकल कैंप लगा के। अब ये एक तरह का संघर्ष है मकसूद भाई, आप समझते हो, जो जमीनी लेवल पर 5-6 घंटा फैजुल्ला भाई खुद खड़े रहते हैं, जो टाइम दे रहे हैं, ये भी एक संघर्ष है जमीनी लेवल पे, और लोग 500-600 लोग आके फैज उठा रहे हैं, मुफ्त में दवा लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोग देख रहे हैं, हम बता नहीं रहे, ये लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, अभी आप समझदार हो आगे। नहीं देखा गया काफ़ी तबके के लोग जो बेचारे दवाइयाँ ले नहीं पाते हैं, आज वो यहाँ पे दवाई ले रहे हैं, आगे भी उनको मिलेंगी दवाइयाँ इंशाल्लाह। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी फैजुल्ला खान यूसुफ की तरफ से, ये पूरी कोशिश रहेगी जहाँ हमारा कैंप लगेगा। हाँ हमने रिलायंस का कार्ड भी चालू किए थे जो महीनों चलता है हमारा, और अभी उमर खाड़ी डोंगरी सब जगह हमने लगाए थे, तकरीबन 8-9 हज़ार कार्ड हमने बना के दिए, लोगों का फ़ायदा करा के दिए, फिर चालू करेंगे इंशाल्लाह आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ सूफिया इब्राहिम जो मौजूद हैं, इन्होंने भी महिलाओं का काफ़ी काम किया और आज भी ये लोगों को अपने साथ जोड़ रही हैं, क्या कहेंगे आज आप कैंप में खड़े रह के खुद खिदमत कर रही हैं? वैसे 108 जो उर्स है अब्दुलरहमान शाह बाबा का, ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हम लोगों को खिदमत खल करने का मौका मिला लोगों के लिए। जैसे हम बता रहे हैं कि फाइव अंडर फैजुल्ला भाई के नेतृत्व में और श्री उधर बाला साहब ठाकरे के इसी अंडर के अंदर उनके नेतृत्व में कि इतना अच्छा काम हो रहा है कि अगर हम नॉर्मल दवा लेने आते हैं अगर सर्दी की तो 100 रुपये, लेकिन किसी के पास इतना भी नहीं कि वो अफोर्ड कर सके। और यहाँ पर जैसे उर्स के हिसाब से अमीर गरीब सारे लोग आते हैं, और जिसको भी कोई भी तकलीफ़ हो अगर अभी हो रही है पहले हो रही है, वो आप पर यहाँ पर आके अपना फैज़ उठाते हैं, लेते हैं दवा लेते हैं, और हमारे यहाँ से मुफ्त दवा लेते हैं। हमारी जैसे लेडी डॉक्टर हम लोग रखे, स्किन स्पेशलिस्ट रखे हैं हम लोगों ने, यहाँ पर नॉर्मल फिजिशियन रखा हुआ है, और बहुत सारे हमारे होम्योपैथी की डॉक्टर है जो हमारे साथ में 3 महीने से ज़्यादा जुड़ी है। और लोगों को लेडीज़ लोगों को जोड़ने का मतलब ये है कि हमारे जो कौम की लेडीज़ हैं उनको इतनी ज़्यादा मालूम नहीं है, तो मेरा उनका मतलब रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आप आके जोड़िए। आपको यहाँ पर ये है कि आपको आपके फ़ायदे के लिए, ये कोई ऐसा पब्लिसिटी नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए आप हमारे पास बहुत सारी स्कीम है बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, हम लोग खासकर एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे, मेडिकल के लिए ध्यान दे रहे, और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग ना जैसे जैसे होगा और भी हम लोग करेंगे। हमारे पास रोज़ हमारे यहाँ पर आ रहे कैंप के अंदर 200-300 लोग आ ही रहे, जैसे आज हमारा 5वां दिन है कैंप का, माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला जैसे आप देख रहे हो, और इंशाल्लाह आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग और बहुत सारे कैंप करें, मेडिकल कैंप भी करें और जो एजुकेशन के लिए है वो भी करें हम लोग। ये कैंप और कितने दिन तक चलेगा? ये अभी इंशाल्लाह संडे तक का है और बाकी नहीं, ये संडे तक का है लास्ट, ये हमारा 5th डे है, कल हमारा 6th डे है, तो कल इंशाल्लाह क्योंकि उसके बाद तो उर्स ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग कहीं दूसरी जगह पर जहाँ हमारा वार्ड लगता है वहाँ पर जाके हम लोग
और सारी मेडिकल कैंप्स लगाएंगे। किस तरीके का सहयोग किया डॉक्टरों ने आपके? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। जैसे हमारे पास रुबीना गुजराती है, डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर मिर्जा है होम्योपैथिक है, डॉक्टर सरफराज है जो हमारे फिजिशियन है, और बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आए हैं यहाँ पर। यहाँ तक हबीब हॉस्पिटल के डॉक्टर आए हैं, नूर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर, और हमारे सारे लोगों का सहयोग रहता है। और यहाँ पर ये ऐसे लोग हैं, हम जिस माहौल यहाँ पर में हैं वो सब एक दूसरे मिलजुल के ही काम करते हैं, और उनको भी अपने लोगों की खिदमत का मौका मेरा ये अल्लाह की मर्जी है कि हम किसी के लिए काम आ सकें, अपना तो है नहीं, और यहाँ पर बाबा है तो देख ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए। ये थी सूफिया इब्राहिम, जिन्होंने बताया कि हम यहाँ खिदमत के लिए मौजूद हैं और लोगों की इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।